मेरा नाम अमित। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा आएगा, और आप टाइपिंग स्पीड के लिए घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिस्टम है तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। और टाइपिंग में बहुत सारा चीज़ जानना ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हाँ, हम तो टाइपिंग कर लेंगे, हम तो कैसे भी करके टाइप कर लेंगे, जैसे एक उंगली से या दसों उंगली से, या मेरे ऊपर एक गर्व है कि हाँ टाइप कर लेंगे, मेरे घर में तो कंप्यूटर है, वैसे से करके टाइप कर लेंगे। लेकिन वैसे टाइप नहीं होता। अगर वैसे टाइप होता तो आप आज कहीं और जॉब कर रहे होते। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। टाइपिंग करने का एक तरीका होता है जो कि लगभग लगभग 50% स्टूडेंट नहीं जानते। 50% तो कहीं ना कहीं, अगर कोई ना कोई सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग कोर्स किए हुए हैं, उनको पता है कि उंगली कैसे चलाया जाता है, दसों उंगली को कैसे यूज़ किया जाता है। जो नहीं जानते, जिनके घर में सिर्फ सिस्टम है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट या कुछ काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन लोग को टाइपिंग के बारे में कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइपिंग के बारे में। इंग्लिश हिंदी आप कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो हाँ, ये बोला जा सकता है थोड़ा हिंदी जो है वो हार्ड होता है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में ASDF सभी लेटर्स लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में किसी भी लेटर्स का जिक्र नहीं होता है। आपको दिमाग में, माइंड में याद रखना पड़ता है कि हाँ, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जानना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइपिंग के बारे में। सबसे पहले टाइपिंग में दिया हुआ है, टाइपिंग स्किल टेस्ट महत्वपूर्ण क्यों है। टाइपिंग स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। आजकल आप लोग पहले देखिएगा कि पहले टाइपराइटर पर जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते थे, अभी क्या है, अभी कंप्यूटर टाइपिंग आ गया, और कंप्यूटर टाइपिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप जहां पर भी जाएंगे कोई भी जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह आपको कंप्यूटर टाइपिंग का जरूरत पड़ता है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या बहुत सारे जॉब कंसल्टेंट लोग बोलते हैं कि हमको 35-40 टाइपिंग स्पीड वाला चाहिए, या फिर 35 WPM 35 WPM 30 WPM, ये सब होता क्या है। इसको बोलते हैं 30 वर्ड पर मिनट। आगे जाके आगे बताते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये सब टाइपिंग का जरूरत कहाँ पड़ता है। DO LDC DO होता है डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद SSC MTS मल्टीटास्किंग सर्विस, और भी बहुत तरह का, हजारों तरह का ऐसा जॉब है जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग का जरूरत पड़ता है। उसके बाद प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस और एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस आप सपोज कि आज आप टाइपिंग सीख लिए, अच्छा बात है, आप सीख लिए टाइपिंग। अब क्या है कि आपका, आप 2 दिन 4 दिन किए, 6 महीने किए, साल भर किए, उसके बाद आपको सिस्टम नहीं मिल पाया, किसी कारण से आपका प्रॉब्लम हो गया, आपके पास मनी प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं है, आसपास में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सिंपल सा चीज़ है, अगर आप साइकिल भी चलाना 1 साल तक छोड़ दीजिएगा, तो आपको स्टार्टिंग में जब आप साइकिल स्टार्ट करेंगे फिर, तो आपको ब्रेक, फिर उसके बाद आगे ब्रेक, पीछे ब्रेक को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा दूर चलने के बाद आपको आदत पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे ही एक आपको टाइपिंग भी है, टाइपिंग आप थोड़ा देर कीजिएगा तो आपको वो एक्यूरेसी जो, या फिर जो स्पीड है वो रेगुलराइज तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो घट जाएगा। इसीलिए बोला जाता है टाइपिंग जो भी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीख रहे हैं या सीखेंगे, उनके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आपका ये जो उंगली है वो याद रहे दिमाग में कि हाँ, इसमें ASDF है, इसमें JK Alcom है, इसमें AQ है, Z है, ऐसा दसों उंगली में बांटा हुआ, आगे जाके बताया जाएगा कैसे है। तो ये चीज को याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का हिंदी होता है सटीकता। एक्यूरेसी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी मीन्स होता है आपका सही और गलत में फर्क। जैसे आपको टाइप करना है एंड, और आप टाइप कर दिए ऑन, ONDE टाइप कर दिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका वो जो लेटर, वो जो आपका वर्ड है वो
रॉन्ग काउंट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी को समझना बहुत जरूरी है। आप स्लो ही टाइप कीजिए, 10, 15, 20 स्पीड आए, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको बैक स्पेस यूज करने का जरूरत ना पड़े। बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में बैक स्पेस को हटा दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। उस बेसिस पर आपको अगर बैक स्पेस का अगर आदत है तो बैक स्पेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और स्टूडेंट लोग अब निराश होकर घर आ जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि हाँ, हम बैक स्पेस यूज़ करते थे, मेरा एक आदत बैठ गया था बैक स्पेस यूज़ करने का, और जहाँ हम एग्ज़ाम देने गए वहाँ बैक स्पेस यूज़ करने नहीं दिया गया। बहुत जगह बहुत एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस और एक्यूरेसी दोनों ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमेशा आपको जल्दी उठना है। अब इसमें जल्दी उठने का क्या है? जल्दी उठना इसलिए है, अगर आपके घर में सिस्टम है तो बेटर रहेगा। आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए और 1 घंटा कंप्यूटर टाइपिंग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा टाइपिंग कीजिए। उससे एक बेनिफिट ये होगा, आप अभी टाइपिंग करने बैठे, आपको कोई काम दे दिया, घर के पेरेंट्स आपको काम दे दिए कि जाओ ये सामान लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, पढ़ाई करो ये करो, और मॉर्निंग का एक टाइम होता है जो कि सब कोई सबका माइंड जो है वो शांत रहता है। आप उस टाइम अगर 1 घंटा भी कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी ही आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। उसके बाद है अपने आप में एक स्किल होना चाहिए अपने आप। आपको ये धैर्य रखना है कि हाँ, हम तो कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, आप हमसे नहीं हो रहा, 2 दिन प्रैक्टिस किए उसके बाद बोलते हैं हमसे तो नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं हो रहा, हम क्या करें, हम नहीं करेंगे टाइपिंग। तो ये सबसे गलत थिंकिंग है। आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा और आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होने में, आपका टाइपिंग स्पीड को अच्छा होने में 1 महीना लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि 1 उंगली पर टाइप करते हैं, उनको भी 10 उंगली को चलाना है। आप सिंपल सा चीज सोचिए, अगर ये 2 उंगली से आप ऐसे ऐसे टाइप करते हैं तो उसमें एक लॉस ये होता है कि सोचिए कि कहाँ ये 10 आदमी मिलके काम कर रहा था और कहाँ ये 2 आदमी मिलके ही काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि ये जल्दी थकता है और जल्दी आपका हाथ दर्द देने लगता है। उसके बाद आपको एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मन नहीं करता है कि नहीं, अब हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, अब मेरा मन नहीं कर रहा टाइपिंग करने का। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, हमेशा स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको एक लिमिट रखना होगा कि हाँ, हम कुछ दिन में सीख जाएंगे, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये मन में ठान लिए हैं कि हमसे टाइपिंग नहीं हो पाएगा तो हम भी आपको सिखाएंगे, बैठा के भी सिखाएंगे तो भी आपसे टाइपिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आप अपना माइंड में सेट कर चुके हैं कि हमसे टाइपिंग नहीं हो पाएगा। अगर आप टाइपिंग के बारे में सोच लिए कि हम तो टाइपिंग सीख सकते हैं, हम तो टाइपिंग कर सकते हैं, तो एकदम 100% है कि आपको टाइपिंग सीखने में 1 मंथ में आप पूरा टाइपिंग को सीख सकते हैं। बेसिकली आप टाइपिंग सीख जाइएगा, उसके बाद सिर्फ आपको इंक्रीज करना है, अपना स्पीड को इंक्रीज करते जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी हैं जिनका 65-70 स्पीड आता है, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते करते स्पीड को लाए हैं, एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं और भी बहुत सारा ऐसा चीज मेंटेन किए हैं जिसकी वजह से आज उनका स्पीड इतना है।